मेरे को ये सब करना पड़ता है बाबा जी। आपके टाइम की बात है, वो दादा ने पोते ने पूछ लिया दादा से का, दादा जी आजकल तो ये फिल्मों में खूब प्रेम प्रेम होते हैं, तुमने और दादी जी ने प्रेम कैसे किया? भाई कभी प्रेम करनी होती दादा दादी तुम्हें आपस में तो तुम कैसे ये व्यवस्था बिठाते होंगे? तो दादा ने पोते को कहा कि हम वहां गए थे सुवासरा मेले में, वहां से एक घंटी ले आया, जब भी कभी मुझे तेरी दादी से प्रेम करना होता तो मैं वो घंटी बजा देता, तो दादी मेरे पास आ जाती, हम बात कर लेते आराम से। तो उसने कहा दादा ये तो बात समझ में आ गई, तुम्हारा मन हुआ तो तुमने घंटी बजा ली, अब दादी का प्रेम का मन हुआ तो दादी क्या करती थी? तो उन्होंने कहा दादी मेरे कान में धीरे से आके पूछते आपने घंटी बजाई क्या? ये बड़ी टेक्निकल व्यवस्था होती है। और बाबा जी प्रेम, ये जो ये कह रहे हैं ना बूढ़े आदमी है ये बाबा जी बूढ़े है ये, प्रेम का तो आनंद ही बुढ़ापे में, जवानी में काहे का प्रेम? बूढ़े आदमियों को देखो डोकरे डोकरी की खाट बराबर में, बाबा जी आपने तो देखा होगा प्रेम का आनंद। एक घास ले ले, बीमार हुआ था थोड़ी सी रोटी खा ले, वो भी यही पूछती है। अब एक दिन एक दादी बीमार, दादा बेचारा इलाज कराए, तो एक दिन एक पोते के साथ जा रहा था मोटरसाइकिल पर, मोटरसाइकिल चल रही है ना, मुन्ना भाई रास्ते में मोटरसाइकिल बंद हो गई। अच्छा, तो पोते ने कहा कि दादा दो मिनट रुको, पेट्रोल पंप पे पास में वो गया, उसमें तेल डलवाया और मोटरसाइकिल स्टार्ट। दादा ने पूछा ये क्या है? कि ये पेट्रोल है, ये डालने से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है। दादा के समझ में आ गया कि पेट्रोल में गुण है, वो भी पेट्रोल पंप चला गया। आप जैसा विद्वान था, एक सीसी पेट्रोल के लिए है, घर पे आया दादी सोई रही, सुई पड़ी थी पुरानी, उसको भरा आराम से, और दादी के एक पेट्रोल की। अब वो पेट्रोल अंदर जाते ही खड़बड़ी तो उठे ही, दादी बगे कमरे में, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। तो दादा कहे बूढ़ी भले ही हो गई पर माइलेज वो का वही है। सही, बढ़िया है। ये व्यवस्थाएं होती है, आनंद होता है। लेकिन आइए कविताओं की जब हम बात करते हैं, मस्ती की बात करते हैं, देखो कुछ नहीं, बीजेपी कांग्रेस इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ये सब लोग बात कर रहे थे। चार पंक्तियों में मैं आपको बताता हूं कि मेरे देश की तो किस्मत ही खराब है, और इस देश की किस्मत में अजीब सा अजाब है, बीजेपी कांग्रेस में इतना सा फर्क है। कितना सा? इतना सा। आपके समझ में आ जाए तो तालियां बजाना, नहीं आए तो जयराम जी के, अपने को फर्क भी नहीं पड़ता। बीजेपी कांग्रेस में इतना सा फर्क है, एक का दूल्हा बावड़ा, एक की बारात खराब है। उधर तो आगे पीछे जो है मोदी जी, बस चले तो नगर पालिका के चुनाव में मोदी को लिया है, और इधर कांग्रेस कितनी मेहनत कर लो, जब तक राहुल गांधी बेटा है कुछ नहीं होने जाने का। बराबर आनंद की व्यवस्थाएं, सारे विषय हो गए, एक विषय नहीं हुआ, नारी का जो था, इन्होंने भी बात करी श्रद्धा की, रिस्की छोटी सी एक रचना है मेरी, उससे मैं इसके आज के कवि सम्मेलन को समापन करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखो मैं बड़ी कविता नहीं लिखता, छोटी कविता में पूरी बात करने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या हुआ, दिल्ली में गंडकों की रैली गई, कुत्तों की, सीहोर से भी कुत्ते गए सारे के सारे। अब सारे कुत्ते वहां गए, रैली में गए थे, बसों की व्यवस्था थी, बाकी सब तो आ गए, तीन चार इस चौक के गंडक थे वो दिल्ली रुक गए, बस नहीं मिली होगी। अब इधर तो वो तीनों गंडक घूम रहे कनाट प्लेस पर, सामने से केजरीवाल की कुतिया निकली ब्यूटी पार्लर से, रात के 10 बज रहे हैं। अब उन गंडकों को देखा सिरे रुकाणो, उसने देखा जहां के डोकरे ऐसे हैं तो गंडक कैसे होंगे। परेशान वो बाबा जी बुरी तरह। अब वो कुत्ते थे वो खानदानी, सीहोर का आदमी जो होता है ना वो चरित्रवान होता है, सीहोर के कुत्तों की तरफ से
मैंने उस कुतिया से जो बात करी और आप सोयत, हाँ सीहोर में तो प्रदीप जी रहते हैं, सीहोर में प्रदीप जी, ये सोयत कला के कुत्ते, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, सारी लो, अच्छा वो वाले मिश्रा जी, वो सीहोर के है, अपने यहाँ सोयत के कुत्ते, चरित्रवान कुत्ते, उन्होंने उस कुतिया से जो बात करी, अच्छी लगे तो कविता हो जाए, तो जोरदार तालियों से आप स्वागत करना, अच्छी लगे तो। उन कुत्तों ने उस कुतिया से कहा कि हे कुतिया, हम तेरी हालत से हैरान नहीं है, कुतिया हम तेरी हालत से हैरान नहीं है, और ये भी जानते हैं तेरे मुंह में जुबान नहीं है, हे कुतिया हम तेरी हालत से हैरान नहीं है, और ये भी जानते हैं तेरे मुंह में जुबान नहीं है, दिल्ली है 10 बजे है तू भी है अकेली, दिल्ली है 10 बजे है और तू भी है अकेली, पर आराम से जाम कुत्ते हैं इंसान नहीं है, आराम से जाम कुत्ते हैं इंसान नहीं है। तो कविता यूं भी हो जाती है। नववर्ष का कार्यक्रम है, हिंदू नववर्ष का, क्या है हिंदू मैं बताता हूँ आपको, जब कुछ लोग ये कह देते हैं ना कि ये देश किसी के बाप का थोड़ी है, ये कहा किसी शायर ने, ये बात चलती है, हमारे कवि सम्मेलन में प्रेम होता है, मुशायरों के अंदर क्या होता है, घृणा दी जाती है, तब किसी शायर ने कहा था कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, तब हमने उसको जवाब दिया, वो सुनना आपका, स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत अच्छा, कि ये देश क्षमा का है, ये देश अहिंसा का है, ये देश प्रेम का है, अहिंसा का है, करुणा का है, क्षमा का है, ये देश प्रेम का है, करुणा का है, अहिंसा का है, क्षमा का है, किसने कहा ये देश मेरे बाप का है, ये तो मेरी माँ का है, वाह 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 वाह, ये देश मेरी माँ का है, हम दोस्त के लिए दोस्त और दुश्मन के लिए काल कहलाते हैं, हम दोस्त के लिए दोस्त और दुश्मन के लिए काल कहलाते हैं, सरहद पर मरते हैं तो बाप के बेटे नहीं माई के लाल कहलाते हैं। अंतिम चार पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर भी तू पूछता है कि हमारा बाप कौन था, तो हम बाप का परिचय देते हैं ना, आपको अच्छा लगे ये पंक्तियां, इतनी कड़वी पंक्तियां कोई बोलता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तर्क से बोल रहा हूँ ना, अगर कहीं कमी रहे तो बताना, मेरी बराबर मुस्लिम बहनें यहाँ बैठी हुई है और सारी चीजों से निकलती हैं, तब चार पंक्तियां, आप वीरस के कवि बड़ी बड़ी बातें कहते हो लेकिन कठोर बात कहना अलग होता है, बड़ी कविता बड़ी नहीं होती, बात होती है जो सीधी यहाँ छाती में लगे। तब मैंने कहा कि मेरा पिता गरीब था, मजदूर था, किसान था, व्यापारी था, मेरा पिता गरीब था, मजदूर था, किसान था, व्यापारी था, पर उसके चेहरे पे गर्द नहीं था, धूल, मेरा पिता गरीब था, मजदूर था, किसान था, व्यापारी था, पर उसके चेहरे पे गर्द नहीं था, मैं आज तक हिंदू हूं क्योंकि मेरा बाप नामर्द नहीं था, क्योंकि मेरा बाप नामर्द नहीं था। थैंक यू, धन्यवाद, आज के अच्छे कवि सम्मेलन के लिए आप सब पधारे, और अच्छी कविता, आभार प्रदर्शन के लिए अगर आप में से कोई आना चाहे, आपसे कोई बात करना चाहे, बहुत बढ़िया, हो गया हो गया, अगली बार करें, अगली बार, इस बार देखो इस प्यास को रखो, आगे भी हमारी गाड़ियां हैं, 3 बजे बाद जयपुर की गाड़ी मिलती नहीं है, आप समझते हो, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया, एक बार जोरदार तालियां, और इसी के साथ तलवार के लिए ताली बजाइए जिन्होंने इतनी बढ़िया टीम बुलाई है, और हिंदू युवा समिति के लिए ताली बजाइए जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन आपके लिए रखा है, जरा जोरदार ताली बजाइए एक बार, जरा बहुत बढ़िया हो गया।